जिनको पाप में से मुक्त होना है उनके लिए क्या कठिन मार्ग है, बहुत सरल है। प्रातकाल, मध्यान्ह, संध्या, बार ज्योतिर्लिंग को याद करें। एक बारह ज्योतिर्लिंग बोले बोले द्वादश गणेश का नाम का पाठ करें। आप बाप दिकरण पकड़ लो तो कोई ना बाप ने तेवंड तुम्हारो वाड़वा को करे, एक हमारो गणेश ने, एक हमारा शंकर, द्वादश गणेश स्तोत्र और द्वादश ज्योतिर्लिंग, कठिन कठिन मंत्र स्तोत्र आपको मुखपाठ न हो इतना जरूर करें, आनंद मिलेगा, मंगल होगा, कल्याण होगा। तो ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, स्वयंभूलिंग, स्थापित लिंग, चरलिंग, अंग के अवयव को भी लिंग माना गया है। बिंदु लिंग यंत्र होता है ना, श्री यंत्र, गणेश यंत्र, कुबेर यंत्र, बहुत सारे यंत्रों की परंपरा है ना, इनमें एक छोटी सी बिंदी करते हैं ना, उसको कहते हैं बिंदु लिंग। और जो पत्थर में से शिल्पकार बनाते हैं उनको कहते हैं पाषाण शिवलिंग। एक होता है बाण शिवलिंग, कोई भी नदी में, नदी के जल प्रवाह में जो पत्थर बहते बहते जाते हैं और लिंगाकार होगा, इस लिंग को कहते हैं बाणलिंग। सप्तगंगाओं में जो लिंग निर्माण होते हैं वो श्रेष्ठ कहते हैं, और सप्तगंगाओं में माँ नर्मदा में जो लिंग निर्माण होते हैं उनको नर्मदेश्वर महादेव कहते हैं। इस लिंग की बहुत महिमा है। कोई भी शिवलिंग आप लाओ तो उनकी प्रतिष्ठा विधि करनी पड़ती है, लेकिन माँ नर्मदा के जल प्रवाह में से लाए हुए लिंग, उनकी कोई भी प्रतिष्ठा विधि न हो तो भी सभी लिंग प्रतिष्ठित लिंग है।